अरे उठ जा। क्या इंडिपेंडेंस डे के दिन पूरा दिन सोएगा क्या? 9 बज गए 9। देखो काटता भी है और तुरंत चाटता भी है। आज सिम्बा का व्लॉग अपलोड करना था, मुझे अभी याद आया। कुछ टाइम पहले मुझे अभी याद आया, ये भी अभी आई है। सब लेट लेट चल रहा है और ये लेटा हुआ है लेट तक। उठ। आज मम्मी पापा भी हमारे गाँव गए हैं तो इसे उठाने वाला कोई नहीं है। एंड बाहर किसी ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया तो 9 बजे तक सो रहे हैं, वरना शाम को 7 साढ़े 7 तक उठ जाता है एंड बाहर बाहर बैठता है घर के। लेकिन आज देखो चौकीदारी करके चौकीदारी करते बैठता है, लेकिन आज बस सो ही रहा है। ये स्टाइल बहुत पसंद है मुझे कैट्स का। हाथ को गीला करके हाथ से ही मुंह पोंछ लेते हैं। ये स्टाइल अच्छा भी लगता है, क्यूट भी लगता है। चल चल बस कर, अभी उठ जा। उठ। ये रबर क्यों रखा है यहाँ पे? इतनी सुस्ती अच्छी नहीं। चल उठ अभी, उठ। खाना पानी कुछ पिया है या नहीं? एक्चुअली मैं बाहर गया हुआ था सुबह सुबह। मैं आया हूँ 12 बजे, फिर हमने सिम्बा के साथ फोटोग्राफी की, फिर मैंने सिम्बा का पोस्ट डाला एंड फिर सिम्बा मस्ती कर करके फिर से कुछ 2 बजे सो गया। मतलब ये सो गया था सुबह ही 11 12 बजे एंड मैंने आने के बाद इसे 1 बजे उठाया था एंड 1 से 2 तक मैंने सिम्बा के साथ शूट किया एंड फिर सिम्बा फिर से 2 बजे सोने के तैयारी में था। 2:30 बजे तक वो सो गया। तो सो गया है तो अभी देखो क्या टाइम हो रहा है, 9:15। तो 9:15 को उठे हैं भाई साहब। मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा लो कितना घंटा सिम्बा सोया है, लेकिन ये उसका डेली का जो टाइम है उससे 2 घंटा लेट चल रहा है सिम्बा। से रबर से बहुत अट्रैक्शन है। रबर जब भी दूंगा ना उसे काटने की कोशिश करता है। खाने की चीजें खाना है, रबर वगैरह क्या खाते रहते हैं, पागल है तू। एंड आज आज़ादी के अवसर पर हमने एक मैसेज भी दिया है सभी को कि सिम्बा को जैसे अच्छा घर मिला है वैसा ही आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कैट्स को अडॉप्ट करना ही प्रेफर कीजिए, ताकि सिम्बा जैसे जो जो ज़रूरतमंद कैट्स हैं स्ट्रीट पे उन्हें बहुत अलग टाइप की लाइफ जीनी पड़ती है स्ट्रीट पे, जिसका हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उन्हें कितना सफरिंग करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर हम इन्हें अडॉप्ट करते हैं तो इनको एक अच्छा घर मिल जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इन्हें अडॉप्ट करके तो देखो आपकी खुशियाँ दुगनी हो जाती है। चल खाना खाएगा? चलो सिम्बा को पहले उसके फेवरेट ट्रीट्स देते हैं, अभी उसका रिएक्शन देखना। भूख नहीं लगी है क्या? आजा। ये सिम्बा को ट्रीट बहुत पसंद आता है। भूख नहीं लगी है? भूख नहीं है क्या? आजा। अरे
महाराज है ये महाराज, उसकी इच्छा ये थी कि उसको मैं उधर ही खिलाऊं, थोड़ा चल के नहीं आना है भाई साहब को, इधर आ नीचे आना पड़ेगा, उधर क्या सोफे पे खाएगा क्या, चल आ जाए यहाँ पे। वो चाहता है कि मैं वहां पे जाके उसको दूं। ये ट्रीट्स के लिए कुछ भी कर सकता है। दे दो दे दो। नाखून मारेगा वो। अरे अरे खाने दो, ये साइड से काट के बाइट ले लेता है क्योंकि सामने से उसे कट करने नहीं आता है ठीक से। एक हाथ से पकड़ के खुद के तसल्ली से खाएगा वो। यहाँ पे नीचे गिरा दिया, चल नीचे। चलो, नींद से उठते ही मस्त चॉकलेट खा लिया सिम्बा ने। चल अभी पानी पी ले। अरे मेरे हाथ में ट्रीट नहीं है, जा पानी पी ले, फिर से साफ सफाई करेगा क्या। तो हम लोग मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी सिम्बा जस्ट उठा है, अभी स्ट्रेचिंग वगैरह करेगा, नीचे जाके देखेगा सोसाइटी में क्या चल रहा है क्या नहीं, साफ सफाई चल रही है उसकी, एंड शायद उसे उतनी भूख नहीं लगी है तो ऐसे मांग नहीं रहा है अभी तक कुछ खाने के लिए। वरना ज़्यादा भूख अगर लग जाती है जाके डायरेक्टली यहाँ पे चढ़ जाता है। इसके लिए पानी रखा होता है लेकिन इसको पानी यहीं से पीना है। थोड़ा सा नल को खोल देते हैं। कितना भी पानी रख लो इसके लिए अलग जगह जाके इसको पानी पीना होता है। ये क्या स्टाइल है तेरा, तेरा पानी उधर हॉल में रखा हुआ है, इधर ड्राई बालकनी में आके पानी पीने की क्या जरूरत है। चपक चपक करके पानी पी लिया। अभी इसको बाहर जाना होगा। ये पूरा काला किसने किया है, किसने किया है, पूरा मुंह घिस घिस के काला कर दिया है इसको। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा मतलब दीवार का कोना सिम्बा ने ऐसा मुंह घिस घिस के काला किया है। ऐसा शोपीस जैसे वहां पे जाके क्यों बैठ गया अभी, अभी तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे रात होगी जितना ज्यादा टाइम ये दिन में सोते हैं ना, मान के चलो अगर ये दिन में बहुत टाइम सोया है तो रात में उतना ही ज्यादा टाइम जगेगा एंड ज्यादा मस्तियां करेगा। और बैठता भी है तो शांति से नहीं बैठेगा, अलर्ट मोड में उसके कान यहाँ वहाँ से सभी आवाज़ों को मतलब बराबर चीज़ों पे नज़र रहती है उसकी। आँखों से तो अलग बात लेकिन कानों से भी, एंड अगर कुछ अलग सा आवाज़ आ गया ना उसको डर जाता है। ये देखो
ऐसे अलग रिएक्शन मिल जाते हैं। तो अभी सिम्बा इधर बैठा है बाहर, इसे हम लोग रोज़ ऐसे लीश से लगा के रख देते हैं। तो चलो सिम्बा को ऊपर घुमा के लाते हैं रेफ्यूज एरिया में। चलो सिम्बा महाराज घूमने चलो। अभी हर जगह इंस्पेक्शन करते करते चलेगा सिम्बा। वहाँ नहीं, यहाँ पे चल, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे। देखो कैसे ऑब्जर्वेशन चलता है उसका। चले ऊपर, और ऊपर चलना है क्या? चल ऊपर। यहाँ पे, यहाँ पे, उधर नहीं। इधर ऊपर रेफ्यूज एरिया है, वहीं पे हमको जाना है। देखो इसको कैसे बैठता है। एंड बाहर जब भी आते हैं एक्साइटमेंट पूरा होता है। ऊपर नहीं जाना है क्या? चलो ऊपर। आजा इधर। इसको अंदर ही घुसना है वहां पे। अरे उधर मत जा, इधर आजा। ये आ गए अभी हम रेफ्यूज एरिया में। बारिश आ रही है, किसी ने पानी डाला आई थिंक। ये सिम्बा के नाइट के एडवेंचर्स आपको देखने मिलेंगे। और सिम्बा ना हाइट से बिल्कुल नहीं डरता है, बिंदास ऊपर से चढ़ के देखता है। अरे सिम्बा वहां पे मत घुस, चल यहाँ पे।
सिम्बा को दिन में एक बार तो हम ऐसे घुमाने लेके जाते हैं, कभी कभार दोनों बार भी लेके जाते हैं। चल हो गया देख के, अभी चले घर पे। चलो चलो चलो, अभी और मत रुक। यहाँ से चल। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हमारे सिम्बा महाराज निकलते हैं। रात को सिम्बा द शहंशाह निकले हैं रात को टहलने, अंधेरी रातों में। किधर कौन? थोड़ा भी इंसानों का आवाज आएगा ना, डर ही जाता है। आजा यहाँ पे जाना है। चलेंगे नीचे। चलो, सिम्बा की रेफ्यूज एरिया की सैर हो गई। अभी सिम्बा चला वापस घर की तरफ। चलो भाई साहब, ये कौन सा स्टाइल है बैठने का? ये कौन सा स्टाइल है महाराज? ओ सिम्बा महाराज, चलो चलो अभी घर पे चलो। अभी कृपा करके वहां पे मत जाइए, घर के तरफ चलिए। यहाँ पे वहां पे नहीं, यहाँ पे। अभी हम लोग आ गए घर के तरफ। तो सिम्बा महाराज का घूम के हो गया। अभी घर पे आने के बाद मैंने लीश उतार दिया है, उसका खाना खा के भी वैसे हो गया है। तो यही था आज का सिम्बा का व्लॉग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वाला। हमें अपलोड करते करते अभी काफ़ी लेट हो जाएगा, लेकिन एज प्रॉमिस्ड हम लोग व्लॉग बना रहे हैं। तो सिम्बा का व्लॉग बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, तो ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करना, लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड सिम्बा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक इन अनदर व्लॉग, तब तक के लिए बाय। सिम्बा कभी तो ध्यान दिया कर, खुद से बोल दे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सिर्फ काटते और चाटते बैठेगा क्या? तो एनीवेज गाइज, सिम्बा महाराज बिजी है ग्रूमिंग में। चलो बाय एंड गुड नाइट।